सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज ये वीडियो के ऊपर रिएक्ट होने वाला है। वीडियो का नाम है साबुन को पानी। तो ये जो वीडियो है ये रोस्ट वीडियो होने वाला है और बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। शायद मेरे ख्याल से वो सॉन्ग जो इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रही है, साबुन को पानी। तो ये जो साबुन को पानी सॉन्ग है ये मेरे ख्याल से नेपाली सॉन्ग है और इसके ऊपर बहुत सारे इंस्टाग्राम में रील्स बन चुके हैं और ये गाना जो है ट्रेंडिंग में है। तो चलिए यार, ये देखते हैं कैसा है नहीं है और रोस्ट इसमें कैसे किए हैं भाई साहब। तो चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। हाल है? आज कौन सा दिन है? अबे बताओ बताओ, आज फ्राइडे है। फ्राइडे बोला था ना, हर फ्राइडे को वीडियो आया करेगी और देखो आ गई, और वो भी बिना स्पॉन्सरशिप के। वैसे ही बदनाम कर रखा है कि सम्राट भाई बिना स्पॉन्सरशिप के वीडियो नहीं डालते। बताओ इस वीडियो में स्पॉन्सरशिप है? पिछले वीडियो में स्पॉन्सरशिप थी? क्या बात कर रहे? बात करते हो, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। अब देखो यार, मैं अगली वीडियो की गारंटी नहीं दे सकता। अगली वीडियो में स्पॉन्सरशिप होगी कि नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा। फिर पिछली वीडियो में हमें कई सारे कमेंट आए जिसमें हमारे पाठशाला के विद्यार्थियों ने सावन के पानी के ऊपर वीडियो बनाने की बात कही थी। अब देखो यार, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ मैं पिघल। अच्छा? भैया मैं पिघलू क्यों ना, जब सावन में आपको सोशल मीडिया पर ये चीजें देखने को मिले। तो भैया मेरे शरीर के हर एक छेद से सिर्फ एक ही आवाज आएगी, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? बताओ क्यों ना दे आदमी जान। जिंदगी के इस भाग दौड़ में अगर आदमी को दो पद सुकून के मिल रहे हैं तो किसको क्या ही दिक्कत है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इन दोनों लड़कियों को नेशनल क्रश घोषित कर दिया जाए भाई साहब, और इनकी पेंशन भी बांधी जाए। इनका बिजली का बिल, मोबाइल बिल, खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन हर कुछ फ्री किया जाए, और साथ में ही इनके मोबाइल में मेरा पर्सनल नंबर फीड किया जाए। तुम्हें क्या लग रहा है आज मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल कंटेंट लेके आया हूँ? अजी घंटा, अबे देश में वैसे इतना गम है, मैं एक्स्ट्रा गम क्यों दूँ? आज तुम बस रील देखो। सरकार को बोलो इसकी भी पेंशन मान दी जाए, इसका भी सब कुछ फ्री किया जाए। अबे हमें सचमुच जरूरत है यार ऐसी कन्याओं की, जिनको देखने के बाद चेहरे पर थोड़ी सी खुशी तो मिले। और जिस तरह तुमने इस वीडियो में आंटी जी को इग्नोर किया है ना, जनता माफ नहीं करेगी। अबे नमस्ते तो कर लो। आंटी जी प्रणाम, हम पूरी भारत वर्ष की तरफ से आपको धन्यवाद करते हैं। भाई साहब आज तुम्हारा भाई मूड में बैठा, आज तुम बस रील ही देखो। क्या बात कर रहे? सच बताऊँ ना, तो मैं तो भाई साहब कंफ्यूज हो गया हूँ कि किसकी तारीफ करूँ और किसकी नहीं, क्योंकि हर कोई एक से बढ़कर एक है। पर प्रॉब्लम पता है कहाँ से शुरू हो जाती है? जब लौंडे इस चीज में घुसते हैं। भाई इतनी कमर तो इन सारी लड़कियों ने एक साथ मिलकर नहीं हिलाई होगी, जिस तरह इस भाई ने अकेले ही हिला दी है। क्यों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास? जब अच्छा भला माहौल चल रहा होता है ना, तो कुछ छिले हुए नाशपाती आ जाते हैं अपना टैलेंट का प्रदर्शन करने। बाबा अब बताओ ये कैसा टैलेंट है ये? अरे यार, क्या अभी कभी तो मेरा मन ऐसा करता है कि जो कोई भी ऐसी हरकत करता हो उसको रिपीट पे ये वाली वीडियो दिखाओ। देखिए दुर्राटे का, ओरे बाबा। वीडियो खत्म हो गई का? अब भैया हो गई है तो यार एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब मारो और आगे चलो। कोई तरीका है भीख मांगने का? सावन है ना दो प्रकार का होता है, पहला वो जो हमको सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। या फिर कुछ इस टाइप का, बट असल में मानसून कैसी हालत कर देता है ये तो आप सब जानते ही होंगे। यस दिस इज द रियल मानसून। यहाँ तो गाड़ी बह रही है, दूसरी तरफ सिलेंडर बह रहे हैं। क्या गैस सिलेंडर बह रहा है पानी में?
भैया पानी के आगे किसकी चलती है? बरसात में तो पूरे पूरे घर गिर जाते हैं, ये तो फिर भी गाड़ियां और सिलेंडर ही है। और आज के टाइम में लोग इतने मंद बुद्धि हो चुके हैं कि पूछो मत। मतलब तुमने एक मुहावरा सुना होगा, आपदा को अवसर में बदलना। पर आजकल के मंद बुद्धि वाली जो प्रजाति है ना, वो अवसर को आपदा में बदल देती है। कभी कभी इंटेलिजेंट बात कर देता हूँ मैं। तुम पहले ये वीडियो देखो। हाँ ये कर लो पहले तुम। अबे बहन की बहरी लोमड़ी, हल्का सा पैर फिसल गया तो यही विसर्जन हो जाएगा, तेरा हरिद्वार जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या बात कर रहे, दुनिया बाबड़ी हो गई सोशल मीडिया पर लाइक के चक्कर में। ये एक नंबर फट्टू भी होते हैं यार, जरा से बिजली कड़क जाए ना इनके फटके दुल्लर हो जाती है। बिटिया यही खोपड़ी में बिजली गिर गई ना तो यही खड़े खड़े भुट्टा हो जाएगी। भाई अभी की सिचुएशन आप जानते ही हो, लोगों को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पर वहीं दूसरी तरफ दिल्ली वाले जो है ना, वो भाई साहब अलग ही मजे ले रहे हैं। दिल्ली को दिल वालों का शहर इसीलिए नहीं कहा जाता भाई साहब, वो बुरे वक्त में भी खुशी के पल ढूंढ लेते हैं। दिल्ली की ऐसी हालत देखकर ना मुझे एक चीज याद आ जाती है, एक बार एक लीडर ने कहा था, दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहाँ भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी। ये सब देख के लगता तो है दिल्ली दिल वालों की ही है। तो भाई लंदन किसका है? लंदन यहाँ आधी दिल्ली पानी में डूबी हुई है, और वही दूसरी तरफ मीडिया वालों की अलग ही बकैती चल रही है। मतलब आधे मीडिया वाले तो सीमा के घर जाके बैठ गए। देख सकते हैं भाभी का इंटरव्यू हो गया, सचिन भाई अंदर सीमा लेकर जा रहे हैं उनको। क्या पे क्रिकेट चल रहा है क्या? कोई मैच वो हगने भी जा रही है ना भाई साहब, इनको वो भी दिखाना है। वो हगने गई है तो मोहल्ले में खुशी की लहर का क्या मतलब है बे? क्या हो रहा है ये? आधे जन तो यहाँ बैठे हैं, आधे जन अंजू के पति के पीछे पड़ गए। भारत में इस वक्त चर्चा अंजू को लेकर हो रही है कि अंजू पाकिस्तान क्यों गई, किस मकसद से गई। अब हम अंजू के पति अरविंद से समझे। अरविंद इस वक्त क्या आपकी सीमा से बातचीत हुई है? अरे मैडम वो अंजू का पति है, सीमा का नहीं। सीमा तक क्यों बतलावा को भाई हूँ? अबे अंजू के पति को सीमा का नाम सुनकर झटका लग गया। अरविंद इस वक्त क्या आपकी सीमा से बातचीत हुई है? बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गुजारिश करता हूँ। और जो कुछ मीडिया कर्मी बच रहे थे ना, वो दिल्ली की बारिश को दिखाने में लग गए भाई साहब। इसे आपको दिखाते हैं दिल्ली में बाढ़ की त्रासदी, और देखिए हाय हाय मां से अंडे घुस गए। भैया ध्यान रखिए कि पानी में इधर उधर सांप ना घुस जाए। देख रहे हो ना कितनी मेहनत कर रहा भाई तुमको सच्चाई दिखाने में, पर यहाँ सच्चाई कुछ और ही है। इसे आपको दिखाते हैं दिल्ली में बाढ़ की त्रासदी, और देखिए बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गुजारिश करता हूँ। सब काटने में लग रहे भाई साहब, कोई किसी का सगा नहीं है। Why are you gay? और इस समय सबसे ज्यादा दिक्कत पता है किसको हो रही है? जिसकी शादी इस समय फंस चुकी है। मतलब अब ऑप्शन है क्या बचा यार लोगों के पास? शादी तो करनी ही है। भैया घर कैसे जाना है वो तो बात की बात है, वो तो देख लेंगे। अब फिलहाल शादी करनी जरूरी है, सर्दियाँ आने वाली है भाई। पर बरसात की शादियों में अगर सबसे ज्यादा दिक्कत किसी को होती है तो वो होती है बारातियों की। मतलब वो बेचारे कहाँ जाएं? दुल्हन को भी होती है यार, ऐसा नहीं सिर्फ बारातियों को। हाय हाय लौंडा कतई भगवाना में जाके बैठ गया, अब तो कहीं जगह ना मिली। पर शादियों में सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ एक ही चीज होती है, वो है खाना। उसे बराती कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। अगले की शादी का टेंट टूट गया, मजा ले भाई के हाथ से प्लेट भी छूट गई हो। भाई की जलवे ही अलग है। अगर तुमको भी अपनी जलवे अलग ही दिखाने ना, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो भाई साहब, तभी मजा आएगा। अबे हम भी समाज में थोड़ा अपना मुंह दिखाने लायक हो जाएंगे, हमको 10 मिलियन नहीं करने क्या? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो। अगर आपको हमारी बकचोदी पसंद आती है तो आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज जॉब ऑफ द सम्राट शुक्ला, ओवर एंड आउट। तो यार आपको वीडियो कैसी लगी? बहुत ही ज्यादा मजेदार वीडियो थी, भाई का रोस्ट तो मत पूछो यार, बोलने लायक था, बहुत ही मस्त था और बहुत ही ज्यादा फनी भी था। इसमें हर तरह के मोमेंट्स दिखाए गए थे, फनी एंड बहुत सारे, मतलब लव फनी और थोड़ा तरके भर के टाइप के जो होते हैं उस तरह के भी दिखाए गए थे।
तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा भाई का रोस्ट। जैसे कि ये जो नेपाली गाना है सावन को पानी, ये वाला तो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, ये वाला सॉन्ग ट्रेंडिंग में है अभी रील्स में। और उसके बाद ये सीमा हैदर वाला, सच में उसका तो मत पूछो यार, बाथरूम के बाहर कौन वेट करता है? क्या मतलब मीडिया वाले के पास कोई काम नहीं है जो सीमा हैदर का बाथरूम के बाहर भी इंतजार कर रहे हैं बस उसका इंटरव्यू लेने के लिए? यार मुझे तो बोल के भी हंसी लगता है, ऐसे कौन पागलपंती करता है। तो यार भाई का रोज तो बहुत ही ज्यादा मस्त था। आपको कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल में नए हो ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे से वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच पाए और आप इन वीडियो को देख पाओ। और इस तरह की वीडियो पे आपको रिएक्शन मेरा कैसा लगता है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के, और टाटा।